बीएमएस रियल्टी लेके आए हैं, बीएमएस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। बीएमएस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज में हम जितने भी दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रॉपर्टी हैं उनको मैनेज करते हैं, उनको टेक केयर करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एनआरआईज हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं हु आर नॉट एबल टू यू नो विजिट फ्रिक्वेंटली ऑन देयर प्रॉपर्टी। हम उन लोगों के बिहाफ पे भी टेक केयर ऑफ वी टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी उन लोगों के बिहाफ पे। तो वो सारा का सारा जो है बीएमएस करता है। तो यहाँ पे लेट से आप प्रॉपर्टी ओनर हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कॉन्टेक्ट बीएमएस प्रॉपर्टी। बीएमएस प्रॉपर्टी फिर आपके बिहाफ पे उस प्रॉपर्टी का पूरा टेक केयर करेगा। जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैनेजमेंट से रिगार्डिंग, तो वो वी विल टेक केयर ऑफ दैट प्रॉब्लम्स, है ना। व्हाट वी चार्ज, वी चार्ज 1 month फुल रेंटल वैल्यू। लेट से आप की प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू 20,000 रुपीज़ है, तो जनरली आप रेंट आउट करवाते हैं तो 1 महीने का जो है 15 डेज का आप रेंट पे करते हैं। लेट्स से 10,000 आप पे करते हैं, लेकिन 10,000 सिंगल टाइम में पे करते हैं। आपकी प्रॉपर्टी अगर वैकेट होती है 3 times इन 11 month और इन 1 year, सो आपको 3 times आपको जो है उसके ऊपर ब्रोकरेज पे करनी होती है ना। बट यहाँ पे क्या है, 1 month का रेंटल वैल्यू आपको पे करना है। जितनी भी बार लीज आउट होगा, जितनी भी बार आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी किसी भी तरह का काम होगा, तो वो सारा का सारा जो है बीएमएस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस आपको करवा के देगा। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी में होगा आपका प्रॉपर्टी क्लीनिंग होगी, टेनेंट के मूविंग या मूव आउट करने के बाद या मूविंग करने से पहले जो भी प्रॉपर्टी की क्लीनिंग होगी, या सेम टाइम ड्यूरेशन पे, ठीक है, इक्वल टाइम ड्यूरेशन पे प्रॉपर्टी की क्लीनिंग होगी, वो सारा का सारा हम करवा के देते हैं। जितने भी काम हैं इलेक्ट्रिशियन के काम हैं अदर देन द फैसिलिटी टीम, जो भी इलेक्ट्रिशियन के काम होते हैं, अगर आपको सर्विस चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी। प्लम्बिंग के जो भी काम होंगे जो कि आपकी फैसिलिटी टीम के प्लम्बर करने से मना करेंगे, वो सारे के सारे काम हम करवा के देंगे। पेंटर और कारपेंटर के वर्क जो होंगे वो हम करवा के देंगे। लेट से कोई भी रिपेयर वर्क अगर प्रॉपर्टी में आता है रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन, तो वो सारा का सारा हम करवा के देंगे। वी हैव अ टीम ऑफ दीज पीपल, स्किल्ड लेबर जो है उनकी टीम होती है हमारे पास, तो उसके हिसाब से हम वो आपको फैसिलिटीज दे सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी के लिए एक टेनेंट, अच्छा सा टेनेंट ढूंढना, तो वो काम भी हमारा होगा। वी हैव अ गुड सेट ऑफ नेटवर्क इन द मार्केट, जहाँ पे बहुत से ब्रोकर्स हैं, उनको हम आपकी प्रॉपर्टी के इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं। फ्लो करने से होता क्या है, यू विल गेट द मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस होने से आपकी तो प्रॉपर्टी वैकेट बहुत कम टाइम के लिए रहेगी या होगी नहीं, या एंड सेकंड इज यू विल गेट द बेस्ट रेंट अश्योरेंस, आपको मार्केट का जो बेस्ट रेंट है वो आपको मिलेगा। तो ये चीज़ एक बहुत यूनिक चीज़ रहेगी इसके अंदर। तो इसमें हम क्या करते हैं, लीज आउट प्रॉपर्टी को लीज आउट करते हैं, बेस्ट रेंट अश्योरेंस हम देते हैं, उसका लॉजिक जो है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो भी टेनेंट होगा उसके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना, कहाँ से रिलेट करते हैं, यहाँ पे इस सिटी में क्यों रह रहे हैं, यहाँ इस सोसाइटी में क्यों रह रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी, क्या उनके ऑफिस के नियर बाई है, क्या पर्पज़ है वहाँ पे रहने का, है ना, और किस कंपनी में रहते हैं, उनके अपॉइंटमेंट लेटर या आईडी कार्ड देखना, वो सारे के सारे जो काम है वो हम आपको करके देंगे। सरप्राइज विजिट ऑफ द प्रॉपर्टी टू चेक द टेनेंट एक्टिविटी, हम सरप्राइज विजिट भी करते हैं प्रॉपर्टी में, एक लेट से क्वार्टर बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे हम ये सारे काम करते हैं। और लीज आउट प्रोसेस, जितने भी लीज आउट प्रोसेस होंगे मूव इन से लेकर मूव आउट तक, वो सारा का सारा वी विल टेक केयर। जैसे कि कार पार्किंग के स्टिकर दिलवाना, सोसाइटी के पोर्टल्स पे टेनेंट के रिकॉर्ड को अपडेट करवाना, और जितने भी आपके पेमेंट्स रिलेटेड क्वायरी होंगी, कोई आपका ड्यू तो नहीं है रेंट आउट करने से पहले, वो सारा का सारा प्रोसेस विल टेक केयर, राइट। उसके बाद रेगुलर सुपरविजन ऑफ द टेनेंट थ्रू फैसिलिटी टीम, वी हैव बिकॉज वी टेक केयर ऑफ ऑलमोस्ट 60 to 70 प्रॉपर्टी इन गुड़गांव इटसेल्फ, सो वी हैव गुड रिलेशन विद सोसाइटी स्टेट मैनेजर एंड फैसिलिटी टीम। सो फ्रॉम देयर वी कैन गेट द फीडबैक ऑफ द टेनेंट कि भाई वो जो इतने नंबर यूनिट में जो रह रहे हैं, हाउ इज दे वर्किंग, हाउ इज देयर फीडबैक,
आर दे फॉलोइंग द सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वहाँ से हम फीडबैक लेके अपडेट करते हैं तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी। एंड प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन ड्यूरिंग टेनेंट एग्जिट, जनरली प्रॉब्लम ये होती है कि जब टेनेंट एग्जिट करता है तो वो देखने को आता है कि वो तोड़ गए है ना, बहुत सी चीज़ों को डैमेज कर जाते हैं, क्योंकि आप NRI हैं या आउट ऑफ स्टेशन हैं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू विजिट द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ एग्जिट। तो होता क्या है कि वो नहीं हो पाता है, लेकिन जब बाद में आपको पता है कि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। तो वी ऑल्सो प्रोवाइड यू दिस फैसिलिटी जहाँ पे हम प्रॉपर्टी का प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेनेंट एग्जिट, और वो हम आपको अपडेट करते हैं सो दैट जो भी डिपॉजिट उन्होंने किया है उसका जो फाइनल जो आप कैलकुलेशन करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये आपको प्रॉपर्टी लीज आउट करने में ये चीज़ें हेल्प करते हैं। उसके बाद है आपकी पेमेंट रिगार्डिंग थिंग्स। पेमेंट रिगार्डिंग में आपका ऑन टाइम रेंट कलेक्शन, बहुत से टाइम आप NRI है, यहाँ पे आपका टेनेंट आपको रेंट नहीं पे कर रहा है टाइम से, है ना, सो यू आर इरिटेटेड एट द सेम टाइम्स यू आर नॉट गेटिंग द न्यू टेनेंट, सो वो आप उसको कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, है ना। तो वो ऑन टाइम रेंट कलेक्शन जो है वो हमारा काम है, वो हम आपको करवा के देंगे। उसके साथ साथ हम आपको रिमाइंडर्स देंगे कि आपको प्रॉपर्टी के सोसाइटी के चार्जेस पे करने हैं, जो भी चार्जेस होंगे या गवर्नमेंट के जो भी चार्जेस होंगे वो आप टाइम से पे करें, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल जो पेमेंट वो आप टाइम से पे करें, सो दैट उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी ना लगे या कोई भी इंटरेस्ट चार्ज ना हो। तो ये सारे की सारी जो फैसिलिटी रिमाइंडर्स लगा लीजिए या पेमेंट लगा लीजिए, वो हम आपके लिए करके देंगे जिस जो भी वे आपके लिए कन्वीनियंट होगा। उसके बाद आता है लीगल का प्रोसेस। लीगल के प्रोसेस में ये है कि जो भी असिस्टेंस आपको लीगल वे में चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी ID आजकल चल रहा है, तो वो सारे की सारी चीज़ें जो भी असिस्टेंस चाहिए लीगल में, बिकॉज वी हैव अ गुड कनेक्शन इन द लीगल साइड ऑल्सो, तो वो सारे की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रेंट एग्रीमेंट जो है प्रॉपर फॉर्मेट में हो और उस तरह से हो कि उसमें आपके सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो, तो उस तरह का रेंट एग्रीमेंट बनाना, टेनेंट की पुलिस वेरिफिकेशन करवाना, राइट, सोसाइटी का मूव इन प्रोसेस जो होता है तो किस दिन होगा, किस टाइम ड्यूरेशन में होगा, वो सारे के सारे, है ना, उनके डिटेल्स अपडेट करवाना पोर्टल्स पे, उनको पार्किंग के लिए स्टिकर दिलवाना, उनकी सोसाइटी की एंट्री अलाउ करवाना, वो सारे के सारे काम जो है वो हम देखते हैं। एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ एट द सेम टाइम, क्या उन्होंने सब अपने ड्यूज क्लियर किए हुए हैं, प्रॉपर्टी की कंडीशन कैसी है, क्या उनके ऊपर कोई सोसाइटी का किसी और तरह का ड्यू है, तो वो सारी की सारी चीज़ें चेक करना, ये भी हमारा काम है। एंड सोसाइटी मीटिंग्स पार्टिसिपेशन ऑन बिहाफ ऑफ यू विद योर ऑथराइजेशन, तो अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी की मीटिंग अटेंड करना है ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो हम जो भी आपका रिलेशनशिप मैनेजर होगा वो जाके वहाँ पे आपके बिहाफ पे आपके ऑथराइजेशन से सोसाइटी की कोई भी मीटिंग आप अटेंड करना चाहें तो वो करेगा। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज से मतलब हो गए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ BMS से कॉन्टेक्ट करना है, BMS आपके बिहाफ पे सारे के सारे काम आपको करके देगा, राइट। सो आपने एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जहाँ पे आप ये सारे की सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पे फ़ोन करना है और अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है, वी विल टेक केयर, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका वी विल टेक केयर ऑन बिहाफ ऑफ यू एज आवर प्रॉपर्टी, हम उसको टेक केयर करेंगे। एंड वन मंथ रेंटल जो मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, ये कुछ भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जनरली आप 15 डेज की रेंटल वैल्यू पे करते हैं, दिस इज़ फॉर जस्ट 11 मंथ, मैं आपको क्लियर कर दूँ। और अगर आपकी प्रॉपर्टी मल्टीपल टाइम्स वैकेट होती है तो लीज आउट करवाएंगे, तो यही वैल्यू रहेगी। उसके साथ साथ इन सब चीज़ों का सुपरविजन, इन सब चीज़ों का असिस्टेंस, ये सारा का सारा इसी के अंदर आता है। सो आप इस नंबर पर कॉल करके हमें अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल दे सकते हैं, वी विल टेक केयर ऑफ़ योर प्रॉपर्टी। Thank you very much for your time. Have a good day.